क्या हुआ, नीचे जाना? चलो ठीक है, ठीक है, ओके चलो। तो बिस्किट खाने चला गया। सो आज लॉकडाउन खुल गया है, नॉट दैट उसका मतलब लोग उधंड जैसे रोड पे निकल जाए और सोच ले कि वायरस मर गया, वो बात नहीं है। लॉकडाउन खुल गया तो हम लोगों ने एक नया तरीका निकला है बाहर जाने का, दैट मीन्स सिर्फ गाड़ी में बैठो और राउंड मारो और वापस घर के अंदर आ जाओ। आई थिंक इससे बाहर जाने का जो तलब हो रही थी वो भी ख़त्म हो रहा था और आप एक्सपोज भी नहीं हो रहे हो बाहर की दुनिया में। सो वैसे तो राइट ना हम लोग जाने का सोच रहे हैं, पर आप लोगों को दिखा दूँ एक मज़ेदार चीज़। गुरु चले। अच्छा मैजिक ये है, जैसे ही मैं ग्लव्स उठाऊंगा और वैसे ही इसको समझ आ जाता है ये सैनिटाइजर और ये ग्लव्स। नाउ यू हैव टू सी ये कहाँ जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, क्या हुआ, नीचे जाना, चलो ठीक है, ओके चलो। तो बिस्किट खाने चला गया, उसको तो बिस्किट भी खाना है और उसको बाहर भी जाना है, तो अभी वो फंस गया है धर्म संकट में। मैं चलना है कि बिस्किट खाना है, पहले बता दो। मुझे चलना है। अच्छा, ओ, ओ। ये रेडी है जाने के लिए? बिल्कुल, मुझे छोड़ नहीं रहा है ये, तो कभी बिल्कुल भाव नहीं देता, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, ये एक टाइम जहाँ पे ये मेरे पीछे दौड़ता है। मैं जा रहा हूँ, तो इसके आगे नहीं जाएगा, उसका लक्षण दिख रहा है। मैं भी जा रही हूँ, जूता पहन लिया, जा। ए, ए, स्टॉप। कहाँ जा रहे बबू? बबू 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 तो ये है हमारा घूमना, हम ऐसे घूमने निकलते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी की बंद खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पाब्लो और भी खुशी से देख रहा है। हमारी इतनी आदत हो गई है फॉर द लास्ट 2.5 मंथ्स कि जब शूट वूट स्टार्ट होगा और हम लोग नॉर्मल जिंदगी में वापस जाएंगे और घर पे नहीं रहेंगे इतनी देर तक, तो इसका क्या होगा, क्या होगा गुरु? बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाएगा। जैसे मैं कैप और ये मैंने पूछा गया, तुम जवाब क्या दे रहे हो? क्या पूछा गया? कि अगर हम लोग वापस शूटिंग वूटिंग में चले जाएंगे तब इसका क्या होगा? हाँ, इसका तो मतलब इसके तो वाट लगने वाली है, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बोल रहा था कि अब तो इतना स्मार्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, डिक्की में अब तो इतना स्मार्ट हो गया है, ऊपर वो लाल बटन है वो दबा देने से बंद हो जाएगा। तुम कुछ बोल रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी, हम लोगों को इतना पैनिक हो गया है कि कुछ शॉपिंग किया, उसको बोला डिक्की खोलो, खुद ही डिक्की में रख दो, मैं मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग से पैसे दे दूंगी। मैं मोबाइल ढूंढ रही थी, मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, हद ही हो गया। मेंटली मुझे लगता है कि बहुत असर होता है कि घर पे बैठे बैठे, तो अगर कोशिश करें ना जाएं, अगर जाएं तो गाड़ी में ही बैठे और गाड़ी से बाहर ना निकलें और थोड़ा शॉपिंग किया और थोड़ा घूम के एक ड्राइव लेके वापस आप घर चले जाओ। शॉपिंग को भी छूना नहीं, उधर ही गाड़ी कुछ भी मत करना और उसको गाड़ी में छोड़ दो एक दो दिन, उसके बाद उसको फुल्ली सैनिटाइज करो, करके ऊपर लेके जाओ, फिर एक एक करके पैकेट खोल के सब चीज को धो और फिर उसको स्टोर करो। मतलब वी आर रियली बीइंग वेरी 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 केयरफुल, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। घर चलते डिक्की में। ओह माय गॉड, ऐसा तो लग रहा है जैसे कि हम निकलने की देरी होती है और उसके बाद गुरमीत को घर जाने की देरी होती है। सो राइट नाउ हमारा न्यू वो है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए निकलते, आधे घंटे के लिए घर के आसपास ही गाड़ी के अंदर, पैक गाड़ी के अंदर बैठते हैं, राउंड मारते और घर चले जाते हैं। बाहर कुछ खुला भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट सेफ टू इवन गेट डाउन और कोई कॉफी शॉप जाओ, वाओ बिल्कुल भी नहीं। नो थोड़ा धीरे चलो ना, तुम्हें अचानक इतना जल्दी घर के जाने की क्या बात है? रामायण देखना। हाँ लक्ष्मण। यस
कोई रामायण देख रहा है कि नहीं देख रहा है मुझे नहीं पता, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे करके हाथ का एक साइन दे दीजिए दैट यू आर वॉचिंग रामायण। हम तो जरूर देख रहे हैं और मुझसे भी ज्यादा गुरमीत तो मतलब मेरा तो शायद अगर ऐसे सोचिए निकले हैं अगर लेट हो गया तो हो गया, लेकिन गुरु विल रन बैक होम ऐसे। क्योंकि मुझे लगा कि आज से 10-12 साल पहले जब हमने रामायण किया था तो हमें मौका तो मिलता नहीं था, बहुत कम मिलता था खुद का शो देखने में, और जब मिलता भी था तो हम एक्टर थे नए, हमारा पहला शो था तो हम एक्टिंग सोचते थे, ये सोचते थे, ये देखते थे, प्रोडक्शन देखते थे, यू नो शूट कैसा हुआ, लेकिन प्रॉपर स्टोरी की तरह कभी देखा नहीं। इतना मजा आता है मैं आपको बता नहीं सकता, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जब मुझे सीखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर देखें और अपने परिवार के छोटों बच्चों को बड़ों को सबको देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं रामायण आ रहा है दंगल टीवी पर, ये एक फ्री चैनल है, आप लोग बस अपने केबल ऑपरेटर को बोल दीजिए फ्री में आपके घर पे आ जाएगा। आता है शाम को 7:30 बजे एवरी डे, सुबह अगर आपको देखना है सुबह 9:30 बजे भी आता है, प्लीज आप देखिए जरूर, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और चलिए फिर घर चल के मिलते हैं, मुझे देख रहा था अभी हरिन हिरन जैसे इधर देखने लग गया, पप्पी दिया पाब्लो ने। तो इसी तरीके से हम गाड़ी में बैठे बैठे घूम लेते हैं, और 2 दिन हम क्या घूमने गए, आज तो टोपी पहनते ही वो पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे कि अब घर में ही घुमा दो। बोलो आज के लिए इतना ही, रोज रोज हम बाहर नहीं जा सकते। उसको पता चल गया कि आज हम कहीं जा नहीं रहे तो इसलिए इस तरीके से गुस्सा दिखा रहा है। खेलो उसके साथ, उसके साथ तुम मत खेलो, कुछ तो दो फेंक के खेलेगा ये, मत करो, उसी को लेके भागने लगेगा, मत करो, हार देगा, उसके दांत में फंस जाता है। इतना जोर से भाग रहा है, बाप रे, पीते कमिया कमिया, पानी पी रहा है, उसको पानी पीने दो, उसको प्यास लग गई, पानी पी रहा है, पानी पीते पीते क्यों डरा रहे हो उसको, अच्छा पी लो पीतू पानी पी लो, चलो सबको बाय बाय बोल दो, बाय बाय। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू देवीना बी कोर्स।